हाय एवरीवन मारुति सुजुकी की ही नहीं बल्कि इंडिया में भी मोस्ट अवेटेड कार मारुति की ग्रैंड ग्रा पहली पैनानिक सनरूफ वाली पहली मारुति की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति की फ्लैगशिप कार और फिलहाल इस प्राइस रेंज के अंदर मारुति की पहली ऑल व्हील ड्राइव कार इसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है दो चीजों का लॉन्च कब होगी और प्राइजेस कितने होंगे लॉन्च के डिलीवरी की मैं पहले काफी बार बात कर चुका हूँ और जैसे जैसे मेरे को अपडेट्स और न्यूज मिलते रहते हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ बात करू अगर मैं प्राइसिंग की तो मैंने अपनी तरफ से कुछ एस्टिमेट ड्राइव करे थे हाई राइडर के भी और ग्रैंड वडारा के भी दोनों वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आप चाहो तो देख सकते हो लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट मार्केट में यह है कि ग्रैंड वटारा लॉन्च होगी ट्वेंटी सिक्स सेप्टेंबर को विच विल ऑल्सो बी दी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि प्राइजिंग की अगर बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मार्केट में है फ्रॉम टेन लैक्स टू एटीन पॉइंट अगर इस रेंज को देखा जाए तो यह काफी अग्रेसिव प्राइसिंग है हाई राइडर के मुकाबले एंड मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता था दट दी विटारा विल अंडर कट दी हाई राइडर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एक्चुअल कितना अंडर कट होता है वो तो एक्चुअल ऑफिशियल लॉन्च पे ही पता चलेगा अब अगर 26 सितंबर की बात करूं तो मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉग न्यूज उड़ रही है कि लॉन्च ये तीन दिन बाद ही होने वाली है लेकिन मारुति ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है बट न्यूज मीडिया के अंदर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने मारुति के सोर्सेज से पता किया है कि डेट ट्वेंटी सिक्स ही है वैल प्राइस रेंज तो इन्होंने 10 टू 18.7 मेंशन कर दी है लेकिन क्या सारी रेंजेस के ही प्राइजेस अनाउंस होंगे इस चीज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है बिकॉज रिसेंटली हाई राइडर जब लॉन्च हुई थी तो उसके उन्होंने ऑल अक्रॉस दी वेरियंट्स सबके प्राइजेस नहीं बताए थे उन्होंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के तीनों वेरियंट्स के प्राइजेस और माइल्ड हाइब्रिड के अंदर टॉप वेरियंट ऑटोमेटिक के प्राइजेज ही रिवील करे थे सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्रैंड वटारा के भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के दो और माइल्ड हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट के ही प्राइस बताए जाएं एंड उसके बाद एज पर मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर रिस्पॉन्स शायद वो अपने बाकी के मिड एंड लोअर रेंज वेरियंट्स के प्राइजेस को डिसाइड करके बाद में अनाउंस करें अगर छब्बीस सेप्टेम्बर की डेट को मैं कंसिडर करूँ तो ये मुझे रैंडम स्पेकुलेशन नहीं लगती है बिकॉज इट एक्चुअली मैचेज विद दी प्रीवियस डेट्स जिसके अंदर मैंने एक्सपेक्टेड डिलीवरीज की बात करी थी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है सो so, जैसा मारुति का अब तक का प्लान था प्रोडक्शन का और डिलीवरीज का उस हिसाब से 26 सितंबर मैच होती भी लग रही है और छब्बीस सेप्टेम्बर ऑस्पेशियस डे भी है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है वैसे आप लोगों का क्या लगता है कि इसकी प्राइस रेंज क्या हो सकती है और ये हाई राइडर से कितनी सस्ती हो सकती है अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाकी इस न्यूज़ के ऊपर जैसी कोई डेवलपमेंट या अपडेट्स आते हैं तो मैं यहां जरूर शेयर करूंगा सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करने के लिए नवरात्रों का वेट मत करना डू इट राइट नाउ तभी तो लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलेगा आपको है ना चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ग्रैंड मंडारा के ऊपर बाय